केंद्र सरकार के खिलाफ पूर्णिया में महागठबंधन एवं वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार जन विरोधी नीतियों पर काम कर रही है और जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय सारी ताकत सत्ता पर काबिज रहने में लगा रही है, जबकि सत्ता में आने के लिए जनता से कई वायदे की हैं, मगर उन वादों को निभाने के बजाय जनता को प्रताड़ित करने में लगी हुई है। इसलिए तमाम विपक्ष की पार्टियों ने मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन प्रारंभ किया। पूर्णिया के थाना चौक के समीप कांग्रेस, राजद, रालोसपा, हम सहित वाम दल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने एक साथ प्रदर्शन किया और उसके बाद आक्रोश मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दरमियान हम पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने कहा कि हम तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट हैं और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को जन विरोधी नीतियों पर रोक लगाने के लिए वादे करेंगे, अन्यथा आंदोलन उग्र होगा। बिहार सरकार अपना पीठ थपथपाते हैं कि सुशासन की सरकार है। जिस राज्य में रात दिन लूट होता हो, बलात्कार होता हो, डकैती होता हो, चिंतई होता हो, बाल बच्चा आदमी आवाम महिलाएं जिस राज्य में सुरक्षित नहीं हो, वो हम बिहार सरकार से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं, ये कैसा सुशासन है जहां न बिजली की सही व्यवस्था है, न अस्पताल की व्यवस्था है, न शिक्षा की सही व्यवस्था है और लोग कत्लेआम प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, किस दिन ऐसा है जो जिला में एक न एक घटना नहीं, बैंक लूट नहीं, राहजनी नहीं? तो ये सरकार के विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय धरना दिए हैं। इसमें भारत सरकार डबल इंजन की सरकार है। भारत सरकार की जो भूमिका है, नौजवान पढ़ लिख करके आज रोड पर भटक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के तलाश में तवा है बाल बच्चे लोग, सभी के बाल बच्चे, ये सरकार रोजगार देने में विफल रही है भारत सरकार। और गरीबों के खाते में जो 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, वो सारा का सारा योजना इनका विफल है। आज हम लोग महागठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष एक दिवसीय धरना पर हैं और अभी यहाँ धरना कुछ ही देर में समाप्त करके हम लोग जो है गारेंसा चौक पहुँचेंगे, वहाँ पे डीएम के विज्ञापन सौंपेंगे और सरकारी भारत सरकार का सभी राष्ट्रीय संपत्ति निजीकरण हो रहा है, BSNL का हजारों मजदूर को रिटायर किया जा रहा है, इसी सब मुद्दे को लेके हम लोग एक दिवसीय धरना और आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं।